तो हम लोग केमिस्ट्री के लिए लास्ट टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें हैं? अपने एनसीईआरटी को सबसे पहले उसके जितने क्वेश्चंस है उसको हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या क्या अटेम्प्ट करोगे? इंटेक्स क्वेश्चंस, सॉल्वड एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करना है? पहले अपनी थियोरी को पढ़िए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थियोरी पढ़ेंगे और थियोरी को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सबसे पहले अपनी थियोरी पढ़िए, थियोरी के बाद एनसीईआरटी के अपने जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल आते ही आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आना ही आना है। अब मैं एक एक करके पहले ऑर्गेनिक से आता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में आएंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? सिंगल एक एक नंबर के क्वेश्चन। सबसे पहला है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट, आता है सबको? सबसे पहले चेक करना है क्या? मोलर मास। मोलर मास के बाद अगर दो कंपाउंड्स के मोलर मास सेम हो जाए फिर क्या चेक करेंगे? वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ब्रांचिंग। ब्रांचिंग से वंडरवॉल फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ब्रांचिंग जब होती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जब सरफेस एरिया कम होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, वो है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस, और फिर सोल्युबिलिटी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो एल्काइल हैलाइड है, ऑल दो ये पोलर होते हैं लेकिन फिर भी वो डिजोल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में, क्या रीज़न है? तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हेलो फॉर्म टेस्ट। क्या हमारे पास? हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट में हमको सिंपली ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो हेलो फॉर्म टेस्ट में पहले हमें रिएजेंट पता होनी चाहिए। तो रिएजेंट याद रखेंगे, क्योंकि रिएजेंट से हम ये पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए है कि नहीं है, ठीक। तो हेलो फॉर्म टेस्ट में क्या चेक करेंगे? सबसे पहले कंपाउंड्स, प्राइमरी अल्कोहल में एथेनॉल, फिर बाकी जितने भी और अल्कोहल्स हैं उसमें क्या चेक करेंगे? मिथाइल ग्रुप्स कहाँ पे होना चाहिए? बीटा पोजीशन पे। बाकी सारे अल्कोहल्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। लैक्टिक एसिड भी देता है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास हो गया बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट और फिर हेलो फॉर्म टेस्ट। एक जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, सारी की सारी नेम रिएक्शंस एक शीट पे लिख करके प्रैक्टिस करिए। नेम रिएक्शंस, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल वाले चैप्टर में आएंगे तो कुछ छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। जितने भी टेस्ट हैं किसी भी कंपाउंड के, जैसे हम अल्कोहल में पढ़ेंगे ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट पता होना चाहिए, ल्यूकास टेस्ट का हमको रिएजेंट। अब रिएजेंट में बड़ा कंफ्यूजन है, क्या ले हम लोग? HCl ले, ZnCl2 ले, ऑप्शंस ऐसे ही फ्रेम होते हैं, HCl, ZnCl2, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2। तो कौन सा ल्यूकास रिएजेंट है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो एसिडिक नेचर प्रूव करती है। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के लिए कौन कौन सी रिएक्शन है? सोडियम मेटल के साथ, NaOH के साथ, NaNH2 के साथ। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड है कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आएंगे। अमीन्स वाले चैप्टर में खास करके बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस एक पक्का है, आना ही आना है।
किसमें? अमीन्स वाले चैप्टर में, और अमीन्स वाले चैप्टर से आप बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके जाइए। मिथाइल अमीन्स, इथाइल अमीन्स, ये हमने पढ़ रखा है, उस सीक्वेंस को याद करना है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स में। अब एलिफैटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स, अगर डिग्री सेम हो जाए तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है। एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी कम होती है, एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन तो ये, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से आते हैं और अल्कोहल फेनोलो ईथर वाले चैप्टर से आते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा हमारा। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एल्डोल कंडेंसेशन ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा कैनिजारो रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जितनी नेम रिएक्शन पहले बताया, जितनी भी नेम रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन, ये सब कुछ एक लिस्ट बनाइए, एक पेज पे सारे के सारे नेम रिएक्शन होनी चाहिए, उस सारी नेम रिएक्शन को एक साथ हमको याद करना है रिएजेंट के साथ, ठीक है। जितने भी टेस्ट हैं उसको एक शीट पे अलग से लिख लो, और सारे टेस्ट एक एक चैप्टर वाइज हर एक टेस्ट को कंपाइल कर लो, उसको कर लेना है, ठीक है। कन्वर्जन्स में हमें सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, अगर हमें रिएक्शन ही नहीं याद है तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीक्वेंस है, एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो क्या है उसका एक सीक्वेंस है कि पहले क्या करना है, ठीक है। अगर वो सीक्वेंस सही नहीं होगा तो कंपाउंड तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्या कर सके, उसको कन्वर्ट कर सके किसी भी एक गिवन रिएक्टेंट को, किसमें? प्रोडक्ट में। मैगी बनाने का भी एक सीक्वेंस है कि नहीं? क्या करोगे? पहले पानी लेंगे, फिर मैगी को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद से उसको मतलब मसाला डाल के उसको हम पकाएंगे, कि पहले तुम बिना पानी के मैगी तोड़ दोगे उसको रख दोगे कुकर में तो बनेगा नहीं बनेगा। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आ जाइए, मतलब बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, जैसे ज्विटर आयन क्या होता है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ज्विटर आयन हमको पता होना चाहिए। कुछ लिंकेजेस हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है, ये कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में सेक्शन ई में हमको मिल जाएगा ये। तो सेक्शन ए से हमको 16 MCQs हैं, और फिर सेक्शन ई में हमें रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक एक नंबर के। ग्लूकोज बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर ग्लूकोज के? हैवर्थ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर शुगर्स में रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स, ये एक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अमीनो एसिड याद करके जाइए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और एसेंशियल हमेशा दिमाग में रखना, याद करके जाना है। प्रोटीन्स में अगर हम आते हैं तो एक क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोटा मोटी इतना, बाकी सीक्वेंस में सब एक बार पढ़ना है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना है। बायोमोलिक्यूल्स में और अगर हम जाएँ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी कि सैकराइड्स का भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। लिंकेजेस बनाने के साथ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस है, एक बार ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस ये देख लेंगे, हाँ। बाकी उसके बाद से हमारे पास अमीनो एसिड्स के बाद प्रॉपर्टी देख लीजिए ना, कि अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एक बार देख लेना है। अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में सोल्यूशन चैप्टर चाहिए। थियरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशंस, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, ठीक है, पी इज इक्वल टू के एच इन टू का, ये भी सही है, जो दोनों फॉर्मूले हमारे पास पी इज इक्वल टू के एच इन टू का, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। क्या दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं का इज इक्वल टू के एच इन टू पी, ये भी सही है, सिर्फ यूनिट चेक कर लीजिए हेनरीज कॉन्स्टेंट की, कि हेनरीज कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या है, उसी के हिसाब से इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। पढ़ते समय हमने न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई किया हुआ है। सोल्युबिलिटी और के एच का क्या रिलेशन, ये कई बार आया हुआ है।
कि KH और सोलिबिलिटी आपस में कैसे वेरी करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक थ्योरी वाला ये एप्लीकेशन वाले पार्ट्स में कि स्क्यूबा डाइवर्स जो टैंक लेकर के जाते हैं उनमें कौन कौन से गैसेस के मिक्सर्स होते हैं, एक्वाटिक स्पीसीज कोल्ड कंडीशन में ज़्यादा सर्वाइव कर जाती हैं, क्यों सर्वाइव कर जाती हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स, इसका फंक्शन क्या है, सड़कों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमी होती है वहाँ पे हम लोग NaCl स्प्रे करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, NaCl क्यों स्प्रे करते हैं, कार के जो रेडिएटर्स होते हैं उसमें हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि कोई भी एक एंटी फ्रीज एजेंट ऐड करते हैं जब हम लोग किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे बर्फ बनने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो ये कुछ थियोरी वाले क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चैप्टर से थियोरी में RBCs वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसको प्योर वाटर में रखा और फिर इसको हमने सलाइन सॉल्यूशन में NaCl के सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा, स्वेल होगा कि बर्स्ट होगा, रेजिन्स को रखा है तो क्या होगा, तो ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थियोरी वाले क्वेश्चंस बता दिए हैं। और फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही एक क्वेश्चन यही आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, आता रहता है, जेई मेंस के एग्जाम में भी यही आया हुआ है कि इनमें से हाँ कि कौन सा टेम्परेचर तो जब जेई मेंस में आ सकता है, अभी आया जेई मेंस में, तो CBSE में कुछ भी आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन्स इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन्स इक्वेशन के बाद जो हम लोग ई सेल निकालते हैं, ई सेल निकालने का फॉर्मूला पता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकाले। नॉन्स इक्वेशन में ई सेल निकालेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट सेल निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद सेल्स पढ़ करके जाइए, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज में। सेकेंडरी बैटरी में पढ़ना है हमको क्या, लेड स्टोरेज बैटरी, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा आप पढ़िए फ्यूल सेल, तीसरा मर्क्यूरी सेल, ये तीन करके जाना है। कौन कौन सा, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल्स और फिर मर्क्यूरी सेल, ये तीन करना है बैटरीज में रिएक्शंस के साथ। जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो गैल्वेनिक सेल के जैसे भी काम करेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे भी, बस रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, इतना हमको याद करना है। कोलरॉस लॉ बहुत सिंपल है, ठीक है, तो कोलरॉस लॉ हमको पढ़ लेना है। और नॉन्स जो बेसिक जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो नॉन्स इक्वेशन से आएंगे और फिर कुछ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इस पे आ जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मेजोरिटी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद होनी चाहिए, उसके न्यूमेरिकल्स सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाकी जो थियोरी में है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मोलिकुलरिटी और रेट लॉ में मोलिकुलरिटी ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, तो ये बेसिक मोटा मोटी हमको पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स से जो एक चीज, एक सेगमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ग्राफ। ग्राफ में जीरो ऑर्डर के ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, ठीक है, याद रखिए, लॉग के साथ, नेचुरल लॉग के साथ भी और लॉग के साथ भी। अगर कभी समझ में नहीं आए, मान लो हम ग्राफ ही भूल गए, तो इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन को हमें लिख लेना है, उस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ठीक है, और फिर प्लॉट कर देंगे उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। वहाँ से स्लोप भी निकल जाएगा और वहाँ से हमारा इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आएगा। स्ट्रेट लाइन कैसे भी बनाई जा सकती है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और स्ट्रेट लाइन में ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और स्ट्रेट लाइन में ग्राफ इस तरीके का, मतलब ये नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ से ये ऐसे भी जा सकता है। तो बस हमको क्या करना है, इंटरसेप्ट को चेक करना है कि हमारे पास इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है कि नेगेटिव इंटरसेप्ट है, क्लियर है। इसके बाद से हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले आपको VBT आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आना ही आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए और आइसोमेरिज्म, VBT, इसके बाद से वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इतना तो हमको आना ही आना चाहिए, ठीक है।
तो ये मोटा मोटी हमारा एनालिसिस है जिसमें से हमें बहुत सारे आएंगे। और एक चैप्टर जो है डी एंड एफ ब्लॉक, एनसीईआरटी में इसकी थ्योरी बहुत अजीब तरीके से दी गई है, तो जैसा हमने क्लास में पढ़ाया जो नोट्स दिया है उसको अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए। दैट विल बी ऑल एंड थैंक यू सो मच।